माय चैनल। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो गाइस, आज की वीडियो होने वाली हाइलाइटर के ऊपर कि हाइलाइटर को कैसे अप्लाई करते हैं, कहां कहां पे अप्लाई करते हैं फेस पे, एंड हाइलाइटर होते कितने टाइप के हैं, एंड सबसे इम्पॉर्टेंट कि हाइलाइटर के कौन कौन से ब्रशेस होते हैं जिनसे हम हाइलाइटर को अप्लाई करते हैं। तो ये सारा का सारा जो वीडियो है वो हाइलाइटर के ऊपर बेस्ड होने, तो आप इस वीडियो को पूरा देखेगा और आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है ये वीडियो। सो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कर दीजिए एंड चैनल कर दीजिएगा सब्सक्राइब। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो ना तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो यार, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, हम हाइलाइटर लेते हैं। तो सबसे पहली बात आती है माइंड में कि हाइलाइटर हम अप्लाई कहाँ करते हैं, राइट? तो हाइलाइटर अप्लाई अपने हाई पॉइंट्स पे करते हैं, लाइक हमारी चीक बोन हो गई, आईब्रो बोन हो गई, फोरहेड हो गया, क्यूपिड बो हो गई, एंड नोज ऑफ द ब्रिज। यहाँ पे हम हाइलाइटर का यूज करते हैं। हाइलाइटर इसलिए यूज किया जाता है ताकि कभी भी हमारे फेस पे जब लाइट पड़े तो रिफ्लेक्ट करे, तो इसलिए हम हाइलाइटर का यूज करते हैं। और मोस्ट ऑफ द गर्ल्स का फेवरेट प्रोडक्ट होता है हाइलाइटर, लाइक मी। अब बात करते हैं कि हाइलाइटर होते हैं कितने टाइप के हैं। तो हाइलाइटर दो टाइप के होते हैं, एक होता है लिक्विड और एक होता है पाउडर हाइलाइटर। मैं आपको दोनों ही दिखा देती हूँ। एक जो लिक्विड हाइलाइटर होता है वो इस तरह के कुछ ड्रॉपर फॉर्म में आता है, मेरे पास केवल एक ही है क्योंकि मैं इसको ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ। एंड सेकेंड पाउडर फॉर्म में होता है, मैंने इसे बहुत यूज़ किया एज यू कैन सी। तो इसका जो सेड है ना वो सैम्पियन सेड है, एंड ये ऑलमोस्ट स्किन टोन पे चला जाता है इजिली। तो मैं आपको बताती हूँ कि इनमें से इनको हम यूज़ कैसे कैसे करते हैं। जो लिक्विड हाइलाइटर होता है ना उसको हम यूज़ करते हैं अपने मेकअप बेस के साथ, फाउंडेशन में मिक्स कर सकते हैं, एंड अपने हाई पॉइंट्स पे ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। बट जो केक हाइलाइटर होता है उसको हम केवल अपने हाई पॉइंट्स में ही अप्लाई करते हैं, अपने नेक पे भी हम अप्लाई कर सकते हैं इफ़ यू वॉन्ट। तो अब बात आती है कि इनका पिगमेंटेशन कैसे चेक किया जाए। तो मैं आपको बता देती हूँ कि मेरे पास यहाँ पे तीन केक हाइलाइटर हैं। तो इन तीनों का पिगमेंटेशन हम चेक करते हैं अभी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, सबसे पहले चेक करते हैं हम इसका मेकअप रेवोल्यूशन का। तो मैं अपनी इंडेक्स फिंगर पे थोड़ा सा स्वाइप करूंगी, हल्का सा, एंड मैंने लिया है, एंड थोड़ा सा एक दो सेकेंड के बाद करेंगे तो ये ज़्यादा ट्रांसफर नहीं हो रहा है। सो ये पिगमेंटेशन इसमें की बहुत अच्छी है, एज यू कैन सी कितना अच्छा रिफ्लेक्ट कर रहा है ये। अब मैं इसका तो हमने कर लिया, अब बात आती है मिस रोज के केक हाइलाइटर की, जो कि है थोड़ा सा रोज पिंक हाइलाइटर है ये। तो मैं अपनी रिंग फिंगर में थोड़ा सा स्वाइप करूंगी एंड इसको भी हल्का, और अपनी यहाँ पे एक दो सेकंड बाद लगा के देखेंगे। अगर ये ट्रांसफर हो रहा है तो ये मतलब थोड़ा बहुत होता है तो सो के इस चलता है, ये चलता है। लेकिन अगर पूरा का पूरा दूसरे फिंगर पे दूसरी जगह ट्रांसफर हो रहा है तो हाइलाइटर की अच्छी पिगमेंटेशन नहीं है। तो ये बिल्कुल भी नहीं ट्रांसफर हुआ है, एंड आपको यहाँ पे ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा आई थिंक ये तो पहले का ही हाइलाइटर लगा हुआ है मेरा, तो ये ट्रांसफर नहीं हुआ। तो मैं आपको इनके प्राइस बता, इनकी जो लिंक होगी ना आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो एक बार चेकआउट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये मिस्टर रोज का जो हाइलाइटर है बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है एंड बहुत अच्छी इसकी पिगमेंटेशन है। अब मैं आपको चेक कराती हूँ इसकी, जो है ये है सुगर कॉस्मेटिक की तरफ से, लेकिन इसमें क्या है कि इसमें आपको ब्लश, ब्रॉन्जर एंड हाइलाइटर तीनों मिल जाएंगे। तो इसका जो हाइलाइटर सेड है ना वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, एंड हल्का सा गोल्डन एंड चैम्पियन कलर है। तो इस पर मैंने अपनी रिंग फिंगर पर लिया है, एंड थोड़ा सा स्वाइप करने के बाद मैं अपनी हैंड के पीछे एक दो सेकंड रुकने के बाद टच करूंगी ऐसे ऐसे, एंड ये बिल्कुल भी ट्रांसफर नहीं हो रहा है एज यू कैन सी। एंड ये हाइलाइटर बहुत अच्छा है, वन ऑफ द माई फेवरेट हाइलाइटर। तो इनकी पिगमेंटेशन ऐसे चेक करते हैं। अगर आप कभी भी खरीदें, पहले लोकल मार्केट से हाइलाइटर खरीदें, देन ऑनलाइन परचेजिंग करें हाइलाइटर की। आप एक बार मार्केट से आके चेक कर लें, देन ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। अब वो सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो आती है वो हाइलाइटर ब्रश की होती है, कि हाइलाइटर ब्रश होते कौन से हैं। तो हाइलाइटर यूज़ करने के लिए आप अप्लाई कर सकते ले सकते हैं दो ब्रशेस,
पहला तो ये एक इस तरह का ब्रश हो जिसमें बहुत सारे ब्रिसल्स हों। देख सकते हैं आप इसमें कितने सारे ब्रिसल्स हैं, एंड इससे हाइलाइटर अच्छे तरीके से पिक हो जाता है और अच्छे से आपके हाई पॉइंट्स पे लग जाता है। एंड आपको अगर थोड़ा थोड़ा हाइलाइटर यूज करना है ना, बिल्कुल हल्का सा सटल सा, तो आप इससे फैन ब्रश से भी अप्लाई कर सकते हैं, काफी अच्छे तरीके से अप्लाई हो जाता है। तो मैं आपको हाइलाइटर अप्लाई करके दिखाती हूँ। जैसा कि मेरा पूरा मेकअप डन है लेकिन फिर भी हाइलाइटर यूज कर सकते हैं, तो मैं आपको इससे हाइलाइटर यूज करके दिखाती हूँ। एंड मैं मेकअप रेवोल्यूशन का हाइलाइटर अप्लाई करके दिखाती हूँ कि मैं कहाँ कहाँ यूज करती हूँ। तो मैंने थोड़ा सा हाइलाइटर लिया एंड जितना एक्स्ट्रा प्रोडक्ट होता है हम उसे डस्ट आउट कर देंगे। एंड यहाँ ये देखिए कितना अच्छा रिफ्लेक्ट हो रहा है यहाँ से, एंड सेम यहाँ पे भी। अप नोज ऑफ द ब्रिज, थोड़ा सा फॉरहेड पे, एंड देन हमारी क्यूपिड बो। हमारा इतना डन हो गया, राइट। अब हम क्या कर अगर आपको अपनी आईज को हाईलाइट करना है ना, तो आप सिंपल सा थोड़ा सा हाईलाइटर लेकर के अपनी आईब्रो बोन के नीचे यहाँ पे लगाना है आपको, अपनी आईब्रोज को मत हाईलाइट कर लीजिएगा, एंड अपनी आई कॉर्नर पे बिल्कुल हल्का सा, डन। एंड आप इतना हाइलाइटर यूज करेंगे तो आप दिखेंगे हर जगह, आपका फेस बहुत अच्छे से ग्लो करेगा। सो गाइस, ये हाइलाइटर का वीडियो अगर आपको पसंद आए ना, तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। मैंने फुल डिटेल अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है बताने की कि कैसे हाइलाइटर यूज करते हैं, पिगमेंटेशन कैसे चेक करते हैं, एंड हाइलाइटर के ब्रशेस कितने होते हैं, सब कुछ बताने की कोशिश की है। अगर आपको वीडियो पसंद आए ना, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, एंड सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा ताकि आपको ऐसे ही वीडियो फ्यूचर पे देखने को मिलते रहे। एंड गाइस, चलती हूँ मैं, बाय बाय।